लॉकडाउन में एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम सामने आई है कि जो फैमिली मेंबर्स हैं उनका आपस में छोटी छोटी बातों पे आर्ग्यूमेंट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसे कौन से वास्तु दोष होते हैं आपके घर में जो लड़ाई झगड़े करवाते हैं, ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। मैं सुविज्ञेंदु सुत आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी इस नई वीडियो में। तो आइए आपको ज़्यादा वेट ना करवाते हुए हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लॉकडाउन में क्योंकि सभी फैमिली मेंबर्स को एक साथ रहना पड़ा तो इसकी वजह से काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स की सिचुएशन बढ़ी, मेंटल स्ट्रेस, इसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम बढ़ी। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये आपके घर में कुछ वास्तु दोष होते हैं जो ऐसे नेगेटिव एनर्जीज क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कुछ ऐसे ही वास्तु दोष के बारे में जिसकी वजह से आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, और ऐसे ही कुछ वास्तु टिप्स भी दूंगा जिसको करके आप इन्हीं वास्तु दोष को ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे आने वाली ऐसी और भी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, इसी के साथ बेल आइकन को दबाएं। जिस भी घर में लड़ाई झगड़े होते हैं उस घर में कभी भी फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी नहीं आती, यानी कि पैसा नहीं आता। घर में जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं उनकी हेल्थ में भी हमेशा प्रॉब्लम्स आती है। आपके घर का नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर यानी कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ही रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करती है। तो ऐसे में अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं या फिर प्रॉब्लम्स चलती हैं तो आपके घर का नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो है वो पीड़ित है। अब आपके घर की नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कैसे पीड़ित हो सकती है? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन अगर आपके घर में साउथ वेस्ट डायरेक्शन के कंपेरिजन में ऊँची है या फिर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन हैवी है साउथ वेस्ट डायरेक्शन के कंपेरिजन में, या फिर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आपके हमेशा गंदगी रहती है, आप कभी भी उसे मैनेज नहीं करते, वह उसे साफ नहीं करते, वहाँ से बैड स्मेल आती है, या फिर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में हमेशा अंधेरा रहता है। तो यही कुछ वास्तु दोष होते हैं नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जो नेगेटिव एनर्जीज क्रिएट करते हैं। और अगर ये वास्तु दोष आपके घर में हैं तो आपके घर में हमेशा लड़ाइयाँ होंगी ही, ये बात बिल्कुल फिक्स है। अब आप अपने घर की नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कैसे एनहेंस कर सकते हैं? तो उसमें सबसे पहला है कि उसे बिल्कुल साफ रखें, बिल्कुल भी वहाँ पे गंदगी ना हो, उसे मैनेज रखें। इसी के साथ अगर वहाँ पे अंधेरा है तो वहाँ पे लाइट लगाएं जिससे वहाँ पे रोशनी हो, अगर एयर वेंटिलेशन होगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसी के साथ अगर आप वहाँ पे ग्रीनरी कर सकते हैं, अच्छे से ग्रीनरी कर सकते हैं, पेड़ पौधे लगा सकते हैं, तो ये भी आपके घर में जो भी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में वास्तु दोष है उसे ख़त्म कर देगा और वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करेगा। सिर्फ इन्हीं चीज़ें करने से आपकी जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है वो एनहेंस हो जाएगी। एक बहुत ही स्पेशल टिप मैं आपके लिए लेके आया हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली में लड़ाई झगड़े कम हो, फैमिली के बीच हारमनी बढ़े, तो आप नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन वाली वॉल पे राजस्थानी डोली वाली पिक्चर लगाएं जिसमें कुछ लोग डोली पे दुल्हन को बिठा के ले जा रहे हैं, जो शो करता है सपोर्टिंग पीपल या फैमिली में हारमनी। तो अगर आप ये स्पेशल टिप करेंगे, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में पिक्चर लगाएंगे, आपकी फैमिली में जो भी आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और आपको बहुत ही सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। जो लोग जॉब में टीम लीड करते हैं या फिर आप बिजनेस करते हैं और आपके अपने एम्प्लॉयज़ के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं, तो ऐसे में आप अपने ऑफिस में की नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन वाली वॉल पे सभी टीम के साथ ग्रुप फोटो लगाएं। सिर्फ ये सिंपल टिप करने से आपके जो रिलेशनशिप हैं अपने एम्प्लॉयज़ के साथ वो अच्छे हो जाएंगे और उनके अंदर अलग ही प्रोडक्टिविटी भी देखने को मिलेगी। तो ये थी कुछ ऐसी सिंपल बेहतरीन वास्तु टिप्स जिनको करके आप अपने घर की नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को एनहेंस कर सकते हैं और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ या फिर अपने टीममेट्स के साथ जो रिलेशनशिप है उन्हें इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करें, इसी के साथ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।
मैं आपसे फिर मिलूंगा किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।